जैसा कि दोस्तों हमने बताया था कि साइबर कैफे के अंदर जो भी काम होते हैं वो सारे काम के बारे में हम सीखेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अगर मान लीजिए आपके व्हाट्सएप पे कोई डॉक्यूमेंट आता है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, बैंक पासबुक हो गया या फिर कोई फोटो हो गया, जो कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट को यदि आप व्हाट्सएप से प्रिंट करना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप उसे सही तरीके से प्रिंट कर पाएंगे अपने कंप्यूटर के अंदर, ये बिल्कुल बारीकी से सीखेंगे। और सही दोस्तों ये जो वीडियो है ये पार्ट वन है साइबर कैफे से रिलेटेड। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो के अलावा और भी जो है बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं जो कि पार्ट वाइज हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए ये जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट प्रिंट करने से रिलेटेड है जो कि बिल्कुल बारीकी से कवर करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी, इसकी 100% गारंटी है। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं व्हाट्सएप को ओपन कर चुके हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं एक डॉक्यूमेंट आया है जो कि पासबुक है। इसे हम A4 साइज में परफेक्ट साइज में क्रॉप करके और प्रिंट करना चाहेंगे, और वो भी यहाँ पे देख पा रहे हैं ज़्यादा ब्लैक सा नज़र आ रहा है, जो कि थोड़ा क्वालिटी में भी प्रिंट करना पड़ेगा आपको। तो किस प्रकार से आप जो है प्रिंट कर पाएंगे? सही दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यदि आप प्रिंट आउट निकालते हैं व्हाट्सएप का कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट निकालते हैं तो कम से कम तो ग्राहक सामने वाले जो भी हैं वो आपको 10 रुपये तो दे करके ही जाते हैं। तो यहाँ पे जो 10 रुपये आपको मिल रहा है ये आपके मेहनत का मिल रहा है, ना कि यहाँ पर प्रिंट का, क्योंकि आपको तो मालूम ही है कि प्रिंट का कॉस्ट कितना आता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इनकम होने वाला चीज़ है साइबर कैफ़े के अंदर वो है प्रिंट आउट से रिलेटेड, लेकिन आपको काम करना आना भी चाहिए ताकि आप प्रिंट आउट अच्छे तरीके से कर पाए। तो जैसा कि हम क्या करेंगे, तो यहाँ से इसे डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ पे क्लिक कराते हुए सेव एज पे क्लिक कराते हैं और डेस्कटॉप लोकेशन सेलेक्ट करते हुए और सेव करा लेते हैं। तो दोस्तों सेव करने के बाद हम डेस्कटॉप पे आएंगे, जो कि यहाँ पे देख पा रहे हैं ये आ चुका है। अब दोस्तों सबसे पहला काम क्या करना है, तो फोटोशॉप को ओपन करना है। फोटोशॉप को ओपन करने के लिए यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऐसा डायलॉग बॉक्स विंडोज़ वाला ओपन होगा। यहाँ पर आपको टाइप करना है फोटोशॉप, कुछ इस प्रकार से टाइप करेंगे फोटोशॉप। अब दोस्तों अगर मान लीजिए ये सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, हम इसका आपको जो है बिल्कुल सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने वाले हैं, वो भी पासवर्ड के साथ, यानी कि लाइसेंस के साथ मैं आपको देने वाला हूं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों एडोब फोटोशॉप लगभग सारे लोगों के कंप्यूटर में होता ही है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट जब भी सॉफ्टवेयर अपडेट करवाते हैं, विंडोज़ चेंज करवाते हैं या फिर विंडोज़ अपडेट करवाते हैं, तो जिस भी दुकान पर वो करवाते हैं वहाँ से उनके सिस्टम में जो है फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ या फिर पेज मेकर, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब सॉफ्टवेयर डाल ही दिया जाता है, जो कि आपको साइड से डलवाना बिल्कुल नहीं होता। तो नॉर्मली आपको टाइप करना है फोटोशॉप 7.0। अब दोस्तों अगर आपके पास PS हो या फिर फोटोशॉप 7.0 हो, दोनों में आप बिल्कुल बारीकी से काम कर पाएंगे, बिल्कुल सेम तरीका है। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं ये एक PS है और एक एडोब फोटोशॉप 7.0 है। तो सबसे ज़्यादा जो बेस्ट सॉफ्टवेयर है वो एडोब फोटोशॉप 7.0 है, जिसके अंदर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए एडोब फोटोशॉप पर क्लिक कराते हैं। क्लिक कराते ही फोटोशॉप ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद दोस्तों सबसे पहले इस कैनवास के ऊपर हम सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट लाएंगे जो प्रिंट करना चाहते हैं। तो जैसा कि हमने व्हाट्सएप से डाउनलोड कर रखा है यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे इसका एक साइड इफेक्ट भी है, यानी कि साइड एरर भी है। यदि हम इस पिक्चर को, इस डॉक्यूमेंट को उठा करके फोटोशॉप में ले जा करके और इसके कैनवास के ऊपर यानी कि पेज के ऊपर जैसे ही छोड़ेंगे दोस्तों, जब भी इस प्रकार का एरर आए आपके सामने तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, फोटोशॉप में फ़ोटो लाने से यानी कि डॉक्यूमेंट लाने से पहले जब आप डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लेते हैं, जो कि MS Paint सॉफ्टवेयर में ये डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको कंट्रोल के साथ S बटन को क्लिक करा देना है या फिर फाइल में चल के और सेव के ऑप्शन पे क्लिक करा देना है। बस इतना काम करने के बाद इसे यहाँ से क्लोज कर दीजिए और अब आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके फोटोशॉप में ले जाएंगे तो ये बहुत ही बारीकी से ओपन हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ओपन होने के बाद दोस्तों अब बात आया कि इसे हम किस प्रकार से प्रिंट करेंगे, तो सबसे पहला काम क्या करना है, तो सबसे पहले इसको हम मैक्सिमाइज करा लेते हैं यहाँ पे क्लिक करा करके। और मैक्सिमाइज करने के बाद दोस्तों अगला जो काम आपको करना है, ये जो देख पा रहे हैं टूल बार, सारा काम इसी टूल का है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 5 नंबर स्थान पर नज़र आ रहा है क्रॉप टूल, जिसका शॉर्टकट की नज़र आ रहा है C। तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, क्रॉप टूल को यहाँ से क्लिक करा करके सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करते हैं दोस्तों, ऊपर में प्रॉपर्टीज़ में देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको हाइट विड्थ पूछा जा रहा है, तो ध्यान रहे यहाँ पे कोई भी वैल्यू आपको नहीं डालना है, यानी कि क्लियर करा लेना है। और करने के बाद यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो इस प्रकार से सिलेक्शन बनेगा। तो जैसा कि यहाँ पर हमने इस प्रकार से सेलेक्ट कर लिया,
सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों नॉर्मली एंटर को हिट कराएंगे। जैसे ही एंटर लगाएंगे तो देख पा रहे हैं बाद बाकी जो भी एरिया था सिलेक्शन के बाहर का वो सारा कट के हट चुका है। अब दोस्तों ज़रा गौर फरमाइए इस पर, यहाँ पे देख लीजिए इस साइड जो है ना हल्का डाउन नज़र आ रहा है और इस साइड हल्का ऊपर नज़र आ रहा है, तो मतलब कि कुल मिला करके हमें इसे एडजस्ट करना है। तो जिसके लिए अब आपको शॉर्टकट की अपनाना पड़ेगा, तो जिसके लिए कंट्रोल के साथ आप ए बटन दबाइए, कंट्रोल ए। देखिए सिलेक्शन बन गया ऑल टू ऑल, यानी कि आउटर साइड सिलेक्शन बना हुआ है। अब कंट्रोल ए लगाने के बाद कंट्रोल के साथ टी बटन को लगाना है, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म के लिए। तो कंट्रोल लगा देते हैं और टी दबा देते हैं, तो देखिए इस प्रकार से पॉइंटर नज़र आ रहा है, ये देखिए पॉइंटर नज़र आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल को दबाए रखेंगे और माउस से पकड़ के, यानी कि माउस के लेफ़्ट बटन को दबाते हुए इस प्रकार से ऊपर के तरफ ले चलेंगे और फिर कंट्रोल दबाए हुए ही रहना है और इस पॉइंट को अब पकड़ के और हल्का नीचे की तरफ इस प्रकार से लाना है। फिर कंट्रोल को दबाते हुए और यहाँ पे हम क्या करेंगे, नीचे को ले जाएंगे और इसे हल्का इस प्रकार से ऊपर की तरफ। देख लीजिए कुछ इस प्रकार से एकदम जो है परफेक्ट आ चुका है। अब एंटर हिट कराइए, एंटर लगाने के बाद क्रॉप टूल को सेलेक्ट ही रहने देंगे और एक बार और यहाँ पे क्रॉप कर लेंगे इस प्रकार से सेलेक्ट करके, ताकि जो कंट्रोल टी के मदद से जो ऊपर गया था पेज वो कट के साइड से हट जाएगा और परफेक्ट इतना ही आपको नज़र आएगा। अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम होता है दोस्तों किसी भी डॉक्यूमेंट में यदि आपके पास समय नहीं है और लाइट को बढ़ाना है तो जिसके लिए कंट्रोल शिफ्ट दबा करके और एल बटन को दबा देना है। दबाते हैं दोस्तों, यदि इसमें लाइट बढ़ना होता तो ये ऑटोमेटिक बढ़ जाता। अगर आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट है तो ज़रूर ट्राई करिए, और यदि नहीं बढ़ता है तो अब जो है ना क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट एल नहीं कंट्रोल के साथ एल दबा दीजिए। अब देखिए लेवल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे जो देख पा रहा है कंट्रास्ट वाला, इधर से हम इसको माइनस के तरफ ले चलेंगे पीछे की तरफ, तो देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार का एक्टिविटी आपको नज़र आ रहा है, देख पा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, बस यहाँ तक ला करके छोड़ देंगे, जहाँ पे ये जो देख पा रहे हैं पहाड़ का जो सिंबल नज़र आ रहा है यहाँ तक ला करके इसे हम छोड़ेंगे और इधर से इस पॉइंटर को ला करके यहाँ पर छोड़ देंगे। अब देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से जो है एक्टिविटी इसके ऊपर नज़र आ रहा है। फिर वापस से इसे हम डिक्रीज कराते हैं इस प्रकार से, तो देख पा रहे हैं बैकग्राउंड जो है और वाइट जो है इंसर्ट हो रहा है कलर कुछ इस प्रकार से। तो हम नॉर्मली इसे माइनस ही करेंगे ताकि और भी हाईलाइट नज़र आए, और हल्का इसे आगे पीछे भी करके देख सकते हैं और जस्ट यहाँ से ओके लगा देंगे। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार का जो है आपका डॉक्यूमेंट क्लियर हो गया है। अब दोस्तों हम कंट्रोल स्पेस को दबाए रखेंगे और जूम करेंगे इसे, या फिर जूम करने के लिए यहाँ पे एक जूम टूल दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे और प्लस के आइकन पे क्लिक रहना चाहिए। और जिस भी एरिया को आप जूम करना चाहते हैं, जैसे कि इस एरिया को हम जूम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम इस प्रकार से माउस को दबाते हुए और ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोड़ देंगे, तो देख पा रहे हैं जूम हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे क्लोन स्टाम्प टूल लेना है, यदि आप इसको भी साफ़ करना चाहते हैं फिर आपको क्लोन स्टाम्प टूल लेना पड़ेगा, लेकिन इतना कोई साफ़ करता नहीं है, बस इतना हो गया काफ़ी है। अब सीधे प्रिंट करके सामने वाले ग्राहक को आप दे सकते हैं, लेकिन यदि आप चाहते ही हैं कि हम ये भी साफ़ करें और 10 रुपये के स्थान पर आप 20 रुपया चार्ज करें और मेहनत करके आप जो है उन्हें क्लियर डॉक्यूमेंट देना चाह रहे हैं, तो जिसके लिए आपको क्लोन स्टाम्प टूल को भी सिलेक्ट करना पड़ेगा और अल्ट के साथ उस स्थान को सेलेक्ट कर लीजिए जिस स्थान पे ज़्यादा वाइट नज़र आ रहा है। तो अल्ट के साथ यहाँ पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पे चलाएंगे, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे ओपेसिटी 100 और फॉलो भी 100 रहना चाहिए। अब हम यहाँ पे चलाएंगे तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं जब यहाँ पे चल रहा है तो जहाँ से हमने कलर लिया था वहाँ पर देख पा रहे हैं प्लस पॉइंट चल रहा है, देखिए ये प्लस का आइकन भी आ रहा है, मतलब जहाँ पे सर्कल चल रहा है ठीक प्लस पॉइंट भी आगे पीछे जा रहा है। अगर मान लीजिए नीचे की तरफ आ जाएगा ये प्लस का पॉइंट तो नीचे वाला कलर यहाँ पे ले आएगा, तो जिसके लिए आपको अल्ट के साथ बगल का ही कलर उठाना पड़ेगा बार बार, तो अल्ट के साथ क्लिक कराते हैं यहाँ पर और इस पर चला देते हैं, तो इस प्रकार से देख पा रहे हैं साफ़ हो चुका है। फिर अल्ट के साथ यहाँ पे बगल में क्लिक करते हैं, फिर इसको भी मिटा देते हैं, फिर अल्ट के साथ क्लिक करते हैं और इसको मिटा देते हैं, फिर अल्ट के साथ यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसको भी मिटा देते हैं, तो कुछ इस प्रकार से देख पा रहे हैं हम साफ़ कर पा रहे हैं। और ये जो सर्कल वाला है ये यदि इसका डायमीटर बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर देख पा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ में डायमीटर वाला ऑप्शन है, आप यहाँ से भी बढ़ा घटा सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सर्कल का साइज़ छोटा बड़ा
कर सकते हैं। तो छोटा रख कर के ही काम करिए ताकि ज़्यादा यहाँ पे परफेक्ट जो है आप कर पाएंगे काम। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से मिटा देते हैं, तो देख पा रहे हैं कितना स्मूथली यहाँ पे हम मिटा पा रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको मिटा लेना है। मान लीजिए कि ये काम कंप्लीट हो गया, अब आपको क्या करना है, तो कंट्रोल माइनस दबाना है, कंट्रोल के साथ माइनस दबाना है, तो ये जूम आउट हो जाएगा। या फिर जूम बटन को क्लिक करा करके और यहाँ से माइनस पे क्लिक करके क्लिक करेंगे तो भी ये जो है जूम आउट हो जाएगा। अब यहाँ से रीस्टोर पे क्लिक कराते हैं तो ये पेज छोटा हो जाएगा। अब कंट्रोल के साथ एन दबाते हैं तो नया पेज ले सकते हैं, और प्रीसेट साइज़ में यहाँ पे A4 साइज़ को लेंगे। और ध्यान रहे, मोड आपका RGB कलर ही सेलेक्ट रहना चाहिए और कंटेंट वाइट रहना चाहिए। इसके अलावा रेजुलेशन पे भी आपको ध्यान रखना है, 300 बाई डिफ़ॉल्ट रहना ही चाहिए A4 साइज़ का। और ओके कराते हैं, और ओके कराने के बाद दोस्तों यहाँ से हम मूव टूल को सेलेक्ट करके और वापस से हम क्या करेंगे, इस डॉक्यूमेंट को उठा करके यहाँ पे रख देंगे। रखने के बाद देख पा रहे हैं ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आ चुका है। अब हम इस पिक्चर के ऊपर, इस डॉक्यूमेंट के ऊपर कंट्रोल के साथ T दबाएंगे, सिलेक्शन बन चुका है यानी कि ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अब इसे हम यहाँ से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप चाहें पूरा पेज में करना तो पूरे पेज में भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ट्रांसफॉर्म कराते हुए आप जो है इंसर्ट कराएंगे और एंटर लगाएंगे, और कंट्रोल के साथ P बटन दबा करके और प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करा करके प्रोसीड कराएंगे। और जो भी प्रिंटर आपके कंप्यूटर से संलग्न है उस प्रिंटर का ड्राइवर सेलेक्ट करेंगे और प्रॉपर्टीज में चल के ब्लैक एंड वाइट करके ओके करा करके, जैसे ही ओके कराएंगे तो प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद दूसरा भी वीडियो हम बनाएंगे जो कि पार्ट 2 होगा, इसमें हम आधार कार्ड को प्रिंट करना सीखेंगे।